दिल तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व है, और जब तुम संपूर्ण होते हो तो तुम संपूर्ण को जान सकते हो। इसे याद रखो, केवल समान ही समान को जान सकता है। जब तुम खंडित होते हो तो तुम संपूर्ण को नहीं जान सकते। जैसा भीतर होता है वैसा ही बाहर होता है। जब तुम भीतर से संपूर्ण होते हो तो बाहर की संपूर्ण वास्तविकता तुम्हें प्रकट होती है। तुम उसे जानने में समक्ष हो जाते हो, तुमने उसे जानने का अधिकार अर्जित कर लिया है। जब तुम भीतर से खंडित होते हो तो वास्तविकता बाहर भी खंडित होती है। तो जैसा तुम भीतर हो वैसा ही तुम्हारे लिए बाहर होगा। दिल की गहराई में पूरी दुनिया अलग होती है, दृष्टिकोण अलग होता है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, अगर मैं तुम्हें सर से देख रहा हूं, बुद्धि से, अपने जानने के किसी हिस्से से, तो यहां कुछ दोस्त हैं, व्यक्ति, अहंकार अलग अलग। लेकिन अगर मैं तुम्हें दिल से देख रहा हूं तो यहां व्यक्ति नहीं है, यहां सिर्फ एक महासागरीय चेतना है और व्यक्ति सिर्फ लहरें हैं। अगर मैं तुम्हें दिल से देखता हूं तो तुम और तुम्हारा पड़ोसी दो नहीं होते, तब वास्तविकता तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसी के बीच होती है। तुम सिर्फ दो ध्रुव हो और वास्तविकता बस बीच में होती है। यहां एक चेतना का महासागर है जिसमें तुम लहरों के रूप में अस्तित्व में हो। लेकिन लहरें अलग नहीं होती, वे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और तुम हर पल एक दूसरे में घुल रहे हो, चाहे तुम इसे जानो या ना जानो। प्रणाम।